दोस्तों, अगर आपके यहाँ पे होता है इलेक्ट्रिसिटी का पावर कट, जिसकी वजह से आपका इंटरनेट बार बार डिस्कनेक्ट होता रहता है, तो दोस्तों उसी का सॉल्यूशन आज की वीडियो में लेके आए हैं। आज की वीडियो में अनबॉक्स करेंगे रेजोनेट कंपनी के राउटर यूपीएस को, जानेंगे इसके फीचर्स के बारे में, कैसे इसको सेटअप किया जाता है, प्लस कितने आवर्स का ये आपके राउटर को वाईफाई के लिए बैटरी बैकअप प्रोवाइड कराता है। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे लेटेस्ट वीडियोस मिलते रहें। तो कुछ इस तरीके की पैकिंग में भेजा है मुझे अमेज़न ने इस राउटर को। अब जल्दी से पैकिंग को काट के देख लेते हैं अंदर किस तरीके के बॉक्स में आता है रेजोनेट का राउटर यूपीएस, और फिर मैं आपको दिखाऊंगा कैसे इसको सेटअप किया जाता है, क्या इस बॉक्स के अंदर आता है, क्या इसके फीचर्स हैं, क्या इसके साथ आपको केबल्स मिलती हैं, वो सभी हम अभी कवर करेंगे। तो बॉक्स से मैंने बाहर इसको निकाल लिया है, राउटर यूपीएस जो आता है रेजोनेट कंपनी की तरफ से। इस तरीके का छोटा कॉम्पैक्ट बॉक्स है, साइज़ में ज़्यादा बड़ा नहीं है ये राउटर, और सील भी यहाँ पर लगी हुई, तो हर बार की तरह जब भी ओपन करने वाले हो तो सील को ज़रूर देख लें। और बैक साइड से दिखाऊं तो अगेन बैक साइड में बस क्विक इंस्टॉलेशन के बारे में बताया गया है, फ्रंट से हम इसके कुछ फीचर्स बताते हैं, प्लस यहाँ पे रेजोनेट कंपनी की ब्रांडिंग मिल जाती है राउटर यूपीएस के लिए। और फ्रंट में आपको यहाँ पे तीन फीचर्स इसके बताए गए हैं जो मैं आपको कवर करूँगा, जो है 4 घंटे का बैटरी बैकअप, लाइट वेट और इंटेलिजेंट चार्जिंग। ये क्या ऑप्शन है वो भी मैं आपको बताऊँगा जब मैं बॉक्स को ओपन करूँगा। और इस साइड से दिखाऊं तो बैक साइड में अगेन बस यही है क्विक इंस्टॉलेशन, और बॉक्स में बस बता रखा है कंपनी क्लेम करती है 30 सेकंड्स में आप इसको सेटअप कर सकते हैं, जो कि हम टेस्ट कर लेंगे जब हम सेटअप करेंगे। अब जल्दी से सील को ब्रेक करते हैं और हमेशा सील को चेक जरूर कर लें कि सील टूटी ना हुई हो, प्रोडक्ट को एक्सेप्ट तभी करें जब सील एकदम सील पैक्ड हो। तो सील को ब्रेक करके जल्दी से बॉक्स से बाहर निकालते हैं रेजोनेट के कॉम्पैक्ट राउटर यूपीएस को। साइज़ वाइज देखें तो साइज़ बहुत छोटा है, अगर आपने अपने घर पर लैपटॉप के अडेप्टर्स देखे हो तो उसी तरीके का साइज़ है। आपको मैं बैक साइड में दिखाऊं तो मैंने जो ऑर्डर किया है वो वेरिएंट ऑर्डर किया है 12 वोल्ट वाला, और मैं वो भी बताऊंगा क्या होते हैं इसमें वेरिएंट्स। बॉक्स के अंदर आपको मिल जाती है एक रेजोनेट की क्विक इंस्टॉलेशन गाइड, जिसमें बताया गया कैसे इसको सेटअप करें 13 सेकंड्स में, वो चेक हो जाएगा। एक आपको लिमिटेड वारंटी कार्ड मिल जाता है इसके साथ, और बॉक्स को अगर और ओपन करें तो इसके साथ कुछ केबल्स मिल जाती हैं। केबल्स को कैसे कनेक्ट करेंगे वो भी हम आगे देखेंगे क्या इन केबल्स का यूज़ है। इसमें 3 केबल्स हैं, एक ब्रिज केबल भी कनेक्टर भी मिल जाता है जो आपको ब्रिज का काम करेगा केबल्स को कनेक्ट करने के लिए, तो इन केबल्स को भी हम यूज़ करेंगे। और बॉक्स में और कुछ ऐसा है नहीं, तो इस तरीके से बॉक्स में आता है हमारा रेजोनेट का राउटर यूपीएस। अब मैं आपको जल्दी से इसके कुछ फीचर्स के बारे में बता देता हूँ जो कंपनी बताती है। तो अगेन रेजोनेट जो है एक इंडियन ब्रांड है, ये कोई चाइना का नहीं है प्रोडक्ट है ये राउटर यूपीएस। और इसमें आपको बताऊँ तो कंपनी क्लेम करती है इससे आपको 4 आवर्स का बैटरी बैकअप मिल जाएगा। ये लाइट वेट है, अराउंड इसका वेट 80 to 90 ग्राम है, और इसमें इंटेलिजेंट चार्जिंग है। वो कैसे वर्क करता है जब मैं टेस्ट करूँगा तो मैं वो भी कवर करूँगा, जिसकी इंटेलिजेंट चार्जिंग क्या होती है और कैसे वो वर्क करता है इस राउटर यूपीएस में जो आता है रेजोनेट की तरफ से। तो ये है कुछ बॉक्स के फ्रंट में इसके फीचर्स बताए गए हैं पूरे, और इसको कैसे सेटअप किया जाता है मैं वो भी बताऊँगा। इसके वेरियंट्स जो आते हैं, इसमें 4 तरीके के वेरियंट्स आते हैं, वो मैं आपको बता दूँ। जिसमें एक 5 वोल्ट 9 वोल्ट 12 वोल्ट 2 एम्पियर और 12 वोल्ट 3 एम्पियर का आता है, जो आप फ्लैश करके पढ़ पा रहे होंगे, तो वो जरूर चेक कर लें कंपैटिबिलिटी कि आपके राउटर के हिसाब से आपको कौन सा लेना है। तो मैंने जो परचेज़ किया है, अगर आप यहाँ पे पढ़ पा रहे हो, मैंने इसमें ऑर्डर किया है वेरिएंट 12 वोल्ट 2 एम्पियर वाला, क्योंकि जो मेरा राउटर था घर पे टीपी लिंक का, वो है 12 वोल्ट 1 एम्पियर वाला। और इसमें अगर आप फीचर पढ़ पा रहे हो तो इसमें मेंशन किया गया है इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज जो है 12 वोल्ट 2 एम्पियर लेस देन की, और इसमें कैपेसिटी मेंशन की गई है 3 × 2000 mAh की, मतलब इससे आपको बैटरी बैकअप आप अराउंड 6000 mAh का मिल जाता है। और इसमें कंपनी ने मेंशन किया गया इसको आप वाईफाई राउटर के साथ, सीसीटीवी के साथ, और सेटअप बॉक्स के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि एक बहुत अच्छा फीचर है। आप इसको अपने सेटअप बॉक्स के साथ लगा के उसको भी बैटरी बैकअप दे सकते हैं अराउंड 4 आवर्स का। अब वो चेक करने के बाद ही पता चल पाएगा कि आपको एक्चुअल में कितना बैटरी बैकअप इसमें मिलता है। और इसमें प्राइस भी मेंशन किया गया 2911, आप इसको चेक कर सकते हैं अमेज़न या फ्लिपकार्ट में। और इसकी जो ऑफिसेस का आपका बेंगलोर इंडिया में ऑफिस है, क्योंकि ये इंडियन प्रोडक्ट है। तो इस तरीके से अब मैं आपको कुछ और फीचर्स इसके बता देता हूँ कि कैसे आपको चेक करना होता है कि आपके साथ कौन सा राउटर कंपैटिबल होगा। तो इसके लिए आप अगर देख पाए तो ये जो टीपी लिंक का अडेप्टर है उसमें आप पढ़ पा रहे होंगे आउटपुट 12 वोल्ट 1 एम्पियर मैंशन की गई है, तो इसको आपको कंसिडर रखना होता है, ध्यान रखना होता है। तो जब भी आप अपने टीपी लिंक का या किसी का भी आपका राउटर है वो टेस्ट कर लें, चेक कर लें कि आपको कौन सा रेजोनेट का राउटर यूपीएस लेना है। तो इसमें मेंशन किया गया जो मैंने आपको फ्लैश करके बताया था वेरिएंट्स, आप देख सकते हैं उसके अकॉर्डिंग आप अपने लिए राउटर यूपीएस सेलेक्ट कर सकते हैं। वही चीज़ आपको मैं राउटर में बता देता हूँ, तो बैक साइड में मेंशन की गई होती है उसकी पावर रेटिंग, तो आप पढ़ पा रहे हो यहाँ पे 12 वोल्ट 1 एम्पियर
तो इसके लिए मैंने जो राउटर यू पी एस सेलेक्ट किया था वो 12 वोल्ट 2 एम्पीयर का सिलेक्ट किया था। आप अपने राउटर को देख लें, आपका जिस भी कंपनी के ब्रांड का है राउटर उसको में अडेप्टर और अपने राउटर को चेक कर लें, उसके अकॉर्डिंग जो चार वेरियंट्स आते हैं जैसे मैंने आपको बताया था 5 वोल्ट 9 वोल्ट और 9 और 12 वोल्ट 2 एम्पीयर और 12 वोल्ट 3 एम्पीयर उसके अकॉर्डिंग देख पा सकते हैं। अब आपको मैं राउटर के कुछ फंक्शंस बता देता हूँ। इसमें आपको एक ऑन ऑफ का ऑप्शन मिल जाता है, ये कैसे वर्क करता है वो जब हम टेस्ट करेंगे तब कवर करेंगे इस ऑन ऑफ के ऑप्शन को। इसको आप हैंग कर सकते हैं क्योंकि इसका वेट अराउंड 80-90 ग्राम्स है तो बहुत लाइट वेट है, इसको हैंग कर सकते हैं। इसमें आपको टू पोर्ट्स मिल जाते हैं, एक अगर आप अभी मैं थोड़ा फोकस करके दिखाऊं तो आप देख पाएंगे इसमें इन और आउट का आपको मिल जाता है, जिसमें आप इन में अडाप्टर से इसको पावर इन देंगे और आउट में आपको जो केबल है कनेक्ट होगी आपके राउटर के साथ। इनसे आपका अडाप्टर कनेक्ट होगा, आउट से आपको ये पावर सप्लाई करेगा आपके राउटर को। और इसमें आपको मैं बाकी चीज़ें भी बता देता हूँ कि कैसे इन केबल्स का यूज़ होता है। तो इसके साथ आपको जो मैंने केबल्स पहले बताई थी उसका भी बताऊँगा। और ये जो आपका अडाप्टर का केबल है जो मैंने आपको बताया था उसको इन पे लगाया जाएगा। तो इस तरीके से आपका अडाप्टर का पावर इन, इसके लिए वोल्टेज का सेम होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप गलत वेरिएंट पिक करेंगे तो वो आपके अडाप्टर को डैमेज करेगा, आपके राउटर को डैमेज करेगा, प्लस आपके राउटर यूपीएस को भी तीनों को डैमेज करेगा। इसलिए वेरिएंट का चेक करना कंपैटिबिलिटी इस राउटर के साथ बहुत ज़रूरी है, इसलिए कंपैटिबिलिटी वाइज ही देख के वेरिएंट को ऑर्डर करें। अब इन केबल्स को भी देख लेते हैं जल्दी से। तो ये इसके साथ 3 केबल्स मिल जाती हैं जो मैंने आपको बताया था, एक इसके साथ ब्रिज कनेक्टर भी मिल जाता है। अगर आपको यूज़ की जरूरत पड़ेगी तो आप कनेक्ट करके यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर अडेप्टर के किस तरह का अडेप्टर है आपका। और इसमें से ये 2 केबल्स हैं जिनमें से हम इसको एक केबल को अभी यूज़ करेंगे आउटपुट के लिए। एक केबल इसमें इसके आउटपुट में कनेक्ट होगी और दूसरा एंड जो है इस केबल का वो आपका कनेक्ट होगा राउटर के लिए। तो ये कुछ केबल्स हैं, तो जल्दी से इस केबल को ओपन करता हूँ और फिर मैं आपको एक सेटअप लगा के दिखाता हूँ और टेस्ट करते हैं इसको अपने सेटअप के साथ। तो मैंने राउटर के अडेप्टर को प्लग इन कर दिया और उसके जो इनपुट वाले उस स्लॉट था सॉकेट था उसमें मैं इसको इनपुट कर देता हूँ अडेप्टर को। तो इसको अडेप्टर को कर लिया। अब आउटपुट के लिए मैं केबल का कनेक्टर का यूज़ करता हूँ और आउटपुट की एक साइड इस राउटर यूपीएस में लगा देता हूँ और दूसरे एंड को मैं अपने टीपी लिंक के राउटर में पावर के इनपुट में पोर्ट में लगा दूंगा। तो इस तरीके से आपका सर्किट पूरा बन जाता है। तो बहुत सिंपल है, कोई इसमें R&D या कोई ऐसे मेथड चाहिए नहीं, टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं चाहिए। यह आपका हो गया अडेप्टर का, राउटर का अडेप्टर, और ये आपका हो गया रेजोनेट का, और ये आपका टीपी लिंक के थ्रू इसको पावर मिलने वाली है। तो रेजोनेट के आपको के राउटर के अडेप्टर से रेजोनेट को पावर मिलेगी और रेजोनेट ये जो यूपीएस है राउटर का इससे आपके टीपी लिंक को पावर मिलेगी। तो अब मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ। तो ऑन करने का देखें तो अडेप्टर से पावर जा रही है इस राउटर यूपीएस को, फिर से जा रही है टीपी लिंक को। तो दोनों में आप ग्रीन लाइट ब्लिंक करते हुए देख पा रहे हैं, तो मेरा टीपी लिंक प्रॉपरली वर्क कर रहा है और इसमें ग्रीन लाइट है, बट मैंने अभी इसको ऑफ मोड में रखा है। मतलब अभी ये रेजोनेट वाला जो है राउटर यूपीएस बाईपास कर रहा है, ये अभी अपने आप को चार्ज नहीं कर रहा है। ये इसलिए ग्रीन लाइट का टिक का मतलब है ये अपने आप को बाईपास कर रहा है, ये कोई चार्ज नहीं कर रहा है। इसके अंदर जो सेल्स हैं वो चार्ज नहीं कर रहे हैं, वो बस अडेप्टर की पावर को बाईपास करके टीपिंग राउटर को प्रोवाइड कर रहे हैं। अब जैसे ही मैंने इसको रेड ऑन किया आप देख पा रहे हो यहाँ पे रेड हो रहा है, तो रेड का मतलब है ये अपने आप को चार्ज भी कर रहा है, प्लस इसके थ्रू अब पावर जा रही है टीपी लिंक को। और आपने अगर एक बात गौर की हो तो यहाँ पे कोई भी मिली सेकेंड्स का भी लैग नहीं था, रीस्टार्ट नहीं हुआ मेरा टीपी लिंक का राउटर। अब जैसे मैं ऑफ करूँगा तो अब होगा क्या, ग्रीन लाइट चल जाएगी और इसका मतलब ये है कि अब रेजोनेट का जो राउटर यूपीएस है ये पावर दे रहा है टीपी लिंक को। और आप देखें तो इसमें अभी भी कोई रीस्टार्ट नहीं हुआ है, जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कई बार रीस्टार्ट होने से क्या होता है आपका कनेक्शन इंटरनेट का वो ब्रेक हो जाता है और आपको प्रॉब्लम आ जाती है। अब जैसे मैं अगेन ऑन करता हूं, तो रेड का मतलब है ये अपने आप को चार्ज भी कर रहा है, प्लस पावर भी सप्लाई कर रहा है ये राउटर टीपी लिंक राउटर को, जो भी आपके घर में राउटर रखा हो। तो इस तरीके से प्रॉपर वर्क करता है ये कनेक्शन। तो रेड का मतलब है ये चार्ज कर रहा है अपने आप को, प्लस पावर सप्लाई कर रहा है, जैसे भी चार्ज हो जाएगा तो इसकी लाइट भी ग्रीन हो जाएगी। तो इस तरीके से बेसिक सेटअप होता है, आपको कुछ नहीं करना होता। इसको आप प्लग कर सकते हैं राउटर यूपीएस को अपने टीपी लिंक राउटर के साथ, या जो भी आपके घर में राउटर रखा हो, और ये बेसिक सेटअप है जिसको आप घर पे सेट कर सकते हैं। अगर आपके मन में कोई डाउट है इस राउटर यूपीएस से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में जाके क्वेश्चन कर सकते हैं, हम उसका जरूर रिप्लाई करेंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।